जय श्री राम दोस्तों। तो हमारे धर्म में पांच देवताओं की पूजा का क्या महत्व है, ये आज हम जानेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। सनातनी पूजा पद्धति में किसी भी कार्य का शुभारंभ करने अथवा जप अनुष्ठान एवं प्रत्येक मांगलिक कार्य के आरंभ में सुख समृद्धि देने वाले पांच देवता एक ही परमात्मा पांच इष्ट रूपों में पूजे जाते हैं। एक परम प्रभु चिंतानंद परम तत्व है, सर्वाधार सर्वातीत सर्वगत वे ही अखिल विश्वमय रूप अधपार हरि हर भानु शक्ति गणपति हैं। इनके पांच स्वरूप उदार मान उपास्य इन्हें भजते जन भक्त स्वरुचि श्रद्धानुसार पदरत्ना। निरंकार ब्रह्म के साकार रूप है पंचदेव। परम ब्रह्म परमात्मा निरंकार व अशिष अशरीरी है, अतः साधारण मनुष्य के लिए उनके स्वरूप का ज्ञान असंभव है। इसलिए निरंकार ब्रह्म ने अपने साकार रूप में पांच देवों को उपासना के लिए निश्चित किया है, जिन्हें हम पंचदेव कहते हैं। ये पंचदेव है विष्णु शिव गणेश सूर्य और शक्ति। सूर्य गणेश देवी रुद्र और विष्णु ये पांच देव सब कामों में पूजनीय योग्य हैं। जो आदर के साथ इनकी आराधना करता है वे कभी ही नहीं होता, उनके यश पुष्य और नाम सदैव रहते हैं। वेद पुराणों में पांच देवों की उपासना को महाफलदायी और उसकी आवश्यक बताया है, जैसे नित्य स्नान और इनकी सेवा से परम ब्रह्म परमात्मा की उपासना हो जाती है। अन्य देवताओं की उपेक्षा इन पांच देवों की प्राधानता ही क्यों? अन्य देवों की अपेक्षा पांच देवों की प्रार्थना के दो कारण हैं। पहला, पंचदेव पंचभूतों की अधिष्ठा स्वामी हैं। पंचदेव आकार वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन पंचभूतों के अधिपति हैं। सूर्य वायु तत्व के अधिपति है, इसलिए उनकी अर्ध और नमस्कार द्वारा आराधना की जाती है। गणेश के जल तत्व की अधिपति होने के कारण उनकी सर्वप्रथम पूजा करने का विधान है, क्योंकि सृष्टि के आदि में सर्वत्र जल ही था। शक्ति देवी जगदम्बा अग्नि तत्व की अधिपति है, इसकी भगवती देवी की अग्नि कुंड में हवन के द्वारा पूजा करने का विधान। शिव पृथ्वी तत्व की अधिपति है, इसलिए उनके शिवलिंग के रूप में पार्थिव पूजा करने का विधान है। विष्णु आकाश तत्व के अधिपति है, इसलिए उनकी शब्दों द्वारा स्तुति करने का विधान है। अन्य देवों की उपेक्षा इन पांच देवों के नाम के अर्थ ही ऐसे हैं जिनके ब्रह्म होने का सूचक है। विष्णु अर्थात सबसे व्याप्त शिव यानी कल्याणकारी, गणेश अर्थात विश्व के सभी गणों के स्वामी, सूर्य अर्थात सर्वगत सभी जगह जाने वाले शक्ति का। संसार में देव पूजा को स्थायी रखने के उद्देश्य से वेद व्यास जी ने विभिन्न देवताओं के लिए अलग अलग पुराणों की रचना की। अपने अपने पुराणों में इन देवताओं की सृष्टि को पैदा करने वाले पालन करने वाले और संहार करने वाले अर्थात परम ब्रह्मा माना गया है, जिसे विष्णु पुराण में विष्णु को, शिव पुराण में शिव को, गणेश पुराण में गणेश को, सूर्य पुराण में सूर्य को और शक्ति पुराण में शक्ति को ही ब्रह्म माना गया है। अतः मनुष्य अपनी रुचि अथवा भावना के अनुसार किसी भी देव को पूजे। उपासना एक ब्रह्म की ही होती है, क्योंकि पंचदेव ब्रह्म के ही प्रतिनिधि साकार रूप है। उनकी उपासना या आराधना में ब्रह्म का ही ध्यान होता है और वही इष्ट देव के प्रवृत्त रहकर मनोवांछित फल देते हैं। वही एक परमात्मा अपनी विभूतियों में आप ही बैठे हुए हैं, अपने को सबसे बड़ा
कह रहा है, वास्तव में न कोई देव बड़ा है और न कोई छोटा है। एक उपास्य देव ही करते लीला विविध अनंत प्रकार पूजे जाते वे विभिन्न विभिन्न रूपों में निज रूप रुचिन पदरत्न। पंचदेव और उनके उपासक विष्णु के उपासक वैष्णव कहलाते हैं, शिव के उपासक शैव माने जाते हैं, गणपति के उपासक गणपति कहलाते हैं, सूर्य के उपासक सौर होते हैं और शक्ति के उपासक शाक्त कहलाते हैं। इसमें शैव वैष्णव और शाक्त विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। पंचदेव के ही विभिन्न नाम और रूप अन्य देवता हैं, शालग्राम, लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण, गोविंद देव, सिद्धि विनायक, हनुमान, भवानी, भैरव, शीलता, वैष्णो देवी, कामाख्या, अन्नपूर्णा आदि अन्य देवता इन्हीं पंचदेव के रूपनांतर विभिन्न रूप के नामकर हैं। पंचायतन में किस देवता को किस कोण दिशा में स्थापित करें। पंचायतन विधि देवोपासना में पांच देव पूजे हैं। पूजा की चौकी सिंहासन पर अपने इष्ट देव को मध्य में स्थापित करके अन्य चार दिशाओं में स्थापित किए जाते हैं, इन्हें पंचायन कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन पांच देवों की मूर्तियों को अपने इष्ट देव के अनुसार सिंहासन में स्थापित कर इन्हें एक निश्चित क्रम में से पंचायन विधि कहते हैं। जैसे विष्णु पंचायतन, जब विष्णु इष्ट हो तो मध्य में विष्णु, इष्ट कोण में शिव, अन्य कोण में गणेश, नेतृत्व कोण में सूर्य और वायव्यास कोण में शक्ति की स्थापना होगी। सूर्य पंचायन, यदि सूर्य इष्ट में रूप में मध्य में तब किए जाए तो इस कोण में शिव, अग्नि कोण में गणेश, नेतृत्व कोण में विष्णु, वायव्य कोण में शक्ति की स्थापना होगी। देवी पंचायन, जब देवी भवानी इष्ट रूप में तो मध्य में ईशान कोण विष्णु, अन्य कोण में शिव, नेतृत्व कोण में गणेश और वायव्य कोण में सूर्य रहेंगे। शिव पंचायन, जब शंकर इष्ट रूप में हो तो शंकर इष्ट रूप में हो तो ईशान कोण में विष्णु, अन्य कोण में सूर्य और नेत्र कोण में गणेश और वायव्य कोण में शक्ति का स्थान होगा। जब गणेश पंचायन हो तो जब इष्ट रूप में मध्य में गणेश की स्थापना है तो ईशान कोण में विष्णु, अन्य कोण में शिव, नेत्र कोण में सूर्य तथा वायव्य कोण में शक्ति की पूजा। शास्त्रों के अनुसार यदि पंचायतन में देवों को अपने स्थान पर न रखकर अन्य स्थापित कर दिया जाता है तो वह साधक के दुख शोक और भय का कारण बन जाते हैं। देवता चाहे एक हो, अनेक हो, तीन हो या 33 करोड़ हो, उपासना पंचदेव की ही प्रसिद्ध है। इन सब में गणेश का पूजन अनिवार्य है। यदि अज्ञावश गणेश का पूजन न किया जाए तो विद्राल गणेश जी उनकी पूजा का पूरा फल हर लेते हैं। आपका आज का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय श्री राम।